हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SSTSC। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका सेल का इसको स्टील प्लांट ISP बानपुर। इसको स्टील प्लांट का जो एग्जामिनेशन हुआ है आज के डेट में 10th मार्च 2024, तो उसमें आपका जो क्वेश्चन आया था उसका एनालिसिस करने वाला हूं मैं। बहुत सारा क्वेश्चन, मेरा जो सजेस्टिव क्वेश्चन था जिन्होंने मेरे टेलीग्राम चैनल में है, एंड जो मेरा वीडियो जो क्लास जो मैंने किया था, ठीक है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन आपको कॉमन मिला था, ठीक है। तो देखिए, व्हाट इज द यूज ऑफ द ट्राई स्क्वायर। तो ट्राई स्क्वायर का यूज क्या है? ट्राई स्क्वायर का यूज है टू चेक द राइट एंगल। ये मेरा सजेस्टिव क्वेश्चन बैंक में रिलेटेड क्वेश्चन के हिसाब से था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, व्हिच पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड द स्क्राइबर। तो इसका आंसर होगा स्नैक। एंड इसका जो मैंने क्लास किया था, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं, मैं पिक्चर देके बताया था आपको, आप देख सकते हैं क्वेश्चन ये था, वो PDF जिसमें इस पोर्शन का नाम आपको पूछा था, इसका आंसर हो जाएगा स्नैक, ठीक है। तो ये मेरा सजेस्टिव क्वेश्चन बैंक में था, अभी भी टेलीग्राम में है, एंड वो जो वीडियो, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 44, व्हिच कैलिपर इज यूज टू मेक द सेंटर ऑफ राउंड बार। तो कोई भी राउंड बार का सेंटर को लोकेट करने के लिए हमको जिस कैलिपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा वो है जेनी कैलिपर, जो भी मेरा असाइनमेंट में था, आप इधर में जाके देख सकते हैं। तो ये था वो क्वेश्चन, ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा जेनी कैलिपर। एंड उसके साथ मैं बताया था आपका जेनी कैलिपर का जो डिफरेंट नेम है वो है वॉडलेग कैलिपर, लेग एंड पॉइंट कैलिपर एंड हर्मेफ्रोडाइट कैलिपर, ठीक है। तो रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आया था, मेरा सजेस्टिव क्वेश्चन बैंक में था एक क्वेश्चन, तो इसको आपको चेकआउट करना है, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, आपको PDF कॉपी मिल जाएगा, एंड वीडियो में इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगा। उसके बाद नेम द डिफेक्ट दैट कॉज द मेटल चिप क्लॉक बिटवीन टीथ ऑफ द फाइल। फाइल का जो टीथ है उसमें अगर जो टीनी पार्टिकल है वो अटक जाने का जो प्रॉब्लम होता है उसको हम बोलते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। एंड ए पिनिंग इफेक्ट अगर हो गया है तो उसको रिमूव करने के लिए हमको इस्तेमाल करना पड़ता है फाइल कार्ड को, जो निर्मित होता है वायर ब्रश से। एंड इसके साथ एक और भी आप पॉइंट पकड़ सकते हैं, वो क्या है, पिनिंग को रोकने के लिए आप फाइल के ऊपर चॉक पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड फाइल में जो टीनी पार्टिकल है वो अटक जाने के लिए जो प्रॉब्लम होता है उसको पिनिंग बोलते हैं हम, लेकिन ग्राइंडिंग व्हील में एक ही प्रॉब्लम, ऐसे ही प्रॉब्लम होता है तो उसको हम बोलते हैं लोडिंग। उसके बाद नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन आया था, व्हिच फाइल इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग द टीथ ऑफ द वुड वर्किंग शॉ। तो वुड वर्किंग शॉ वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर होगा मिल शॉ फाइल, ये भी मेरा सजेस्टिव क्वेश्चन बैंक में है। नेक्स्ट देखिए, ये जो क्वेश्चन बोला है आपका, जो इधर में आपको जो एंगल शो हो रहा है, ठीक है, ये एंगल का नेम क्या है? तो इन एंगल का नेम होगा पॉइंट एंगल। एंड ज्यादातर ये जो पॉइंट एंगल होता है इसका वैल्यू होता है 118 डिग्री, वो माइल स्टील के लिए। अगर स्टेनलेस स्टील है तो इसके लिए पॉइंट एंगल का वैल्यू होता है 135 डिग्री। एंड प्लास्टिक एंड बैकेलाइट है आपका मेटल, तो आपका पॉइंट एंगल का वैल्यू बन जाता है तब 90 डिग्री। एंड ये जो पोर्शन है ना, इसको भी आपको कभी भी कोई एग्जामिनेशन पूछ सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं पॉइंट। तो दोनों पॉइंट का बीच का जो, इसको हम पॉइंट नहीं, इसको हम बोलते हैं लीप, इसको हम बोलते हैं लीप। तो दोनों लीप का जो बीच का एंगल बनता है, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, ऐसे भी बोल सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट एंगल, ठीक है। उसके साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो है इन आईएसोमेट्रिक थ्रेड। एक आईएसोमेट्रिक थ्रेड है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा टैप ड्रिल साइज को। तो टैप ड्रिल साइज आपका आईएसोमेट्रिक सिस्टम में आपको कैलकुलेट करना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो है 8.2। एंड 8.2 कैसे, वो भी आपको सीखना पड़ेगा। वो क्या है, आपका ट्रैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू टैप ड्रिल साइज को आप TDS में लिख सकते हैं, टैप ड्रिल साइज इक्वल्स टू टैप साइज माइनस 2 इंटू डेप। तो देखिए, टैप साइज क्या होगा, आपको लास्ट में टैप चलाना होगा, तो टैप साइज होगा 10। इसके साथ डेप्थ का फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू 0.6 इंटू, इसका पिच क्या है, इसका पिच है 1.5, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेशन कीजिए, 10 से आपको 1.8 जो है वो माइनस होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 8.2। तो 8.2 है आपका करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आया था, व्हिच कैलिपर इज यूज्ड टू फाइंड द सेंटर ऑफ राउंड बार।
तो कोई भी राउंड बार का सेंटर को लोकेट करने के लिए हम जेनिकली पर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द यूज ऑफ द बेंड स्निप। तो बेंड स्निप का यूज क्या है? बेंड स्निप का यूज होता है सर्कुलर कट करने के लिए। अगर सर्कुलर कोई जॉब है उसको अगर आपका कटिंग करना है तो आपको बेंड स्निप जो है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ये जो स्निप एंड शियर, स्निप होता है हम लगभग स्निप जो है वो थिन शीट मेटल को काटने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एंड शियर जो है वो थोड़ा सा थिक मटेरियल जो है उसको कटिंग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एंड दोनों ही शीट मेटल वर्कशॉप जो है उसमें आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन आया था, व्हिच स्टेक इज यूज्ड टू फॉर्म एन आर्क ऑफ ए सर्कुलर बिवेल्ड अलोंग वन साइड। तो कौन सा जो स्टैक है जिसका है सर्कुलर बिवेल शेप होता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाफ मून स्टैक। ठीक है, एंड ये जो हाफ मून स्टैक वो दिखने में कैसा होता है, तो आप पिक्चर में दिखाई दे, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये है एक हाफ मून स्टैक का एक इमेज। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, वो क्या है, नेम द टूल यूज टू मेक द फ्लूइड टाइट जॉइंट। तो फ्लूइड टाइट जॉइंट है इन रिवेटिंग, तो रिवेटिंग में आपको फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाना है तो आपको जिस टूल को इस्तेमाल करना पड़ेगा वो है फुलडिंग टूल। एंड लीक प्रूफ करने का जो ऑपरेशन है उसका हम बोलते हैं कालकिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन टू एनलार्ज द होल फॉर गिवन डेप्थ। कोई भी मान लीजिए होल है उसको, उस होल को आपका डायमीटर जो है इसको इंक्रीज करना है तो उसको हम बोलते हैं काउंटर बॉडी। लगभग कोई भी सॉकेट, कोई भी स्क्रू, उसका हेड रेस्ट कराने के लिए हम जो एग्जिस्टिंग होल है उसका डायमीटर इंक्रीज कराते हैं, एंड इसी ऑपरेशन को हम बोलते हैं काउंटर बॉडी। अगर ऐसे ही ऑपरेशन है लेकिन उसका जो शेप कौन शेप हो जाएगा और बिवेल शेप हो जाएगा, तो तब उस ऑपरेशन का नाम हो जाएगा काउंटर श्रिंकिंग। रिमिंग जो है, कोई भी होल है ड्रिलिंग किया है उसके बाद होल को फिनिशिंग करते हैं हम, तो उसको हम बोलते हैं रिमिंग ऑपरेशन। तो ड्रिल का, ड्रिल जो होल है उसको फिनिशिंग करने का जो ऑपरेशन है उसको हम बोलते हैं रिमिंग। एंड स्पॉट फिक्सिंग क्या है, कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी स्क्रू और हेड के, हेड को रेस्ट करने के लिए स्मूथ एंड स्क्वायरिंग जो ऑपरेशन हम करते हैं उसको हम बोलते हैं स्पॉट फिक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 70, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एंगल डिटरमाइंस द रेक एंगल ऑफ द ड्रिल। तो ड्रिल का जो रेक एंगल है, जैसे कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जो रेक एंगल है, तो ड्रिल का रेक एंगल कौन सा एंगल को हम रेक एंगल बोलते हैं, ड्रिल का जो हेलिक्स एंगल है उसी को ही हम रेक एंगल बोलते हैं। ज्यादातर ड्रिल का जो हेलिक्स एंगल का वैल्यू होता है वो 7.5 डिग्री होता है, 7.5, ठीक है, 7.5 डिग्री। एंड आपका जो ड्रिल का पॉइंट एंगल का वैल्यू जो है मैं तो आपको पहले से ही बता दिया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन प्रोड्यूसिंग द फ्लैट शीट ऑन ड्रिल्ड होल। तो पहला वाला क्वेश्चन में आपको रिलेटेड क्वेश्चन के संदर्भ से मैंने बताया था, कोई भी होल है उसका अंदर कोई भी बोल्ट और हेड उसको रेस्ट कराने के लिए जो होल है उसको स्मूदिंग करना है, स्मूदिंग एनलार्ज नहीं करना है। अगर एनलार्ज करना होता तो उसका आंसर होता काउंटर बोरिंग, लेकिन इधर में स्मूदिंग करना है तो आप उस ऑपरेशन का हम क्या बोलते हैं, स्पॉट फेसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, ए डायमेंशन इज स्टेटेड 25 प्लस माइनस 0.02 mm इन ए ड्रॉइंग, व्हाट इज द टॉलरेंस। तो इसका टॉलरेंस क्या होगा, तो टॉलरेंस का मतलब अगर प्लस माइनस है तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। अगर प्लस प्लस है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, एंड माइनस माइनस है तो तब भी आपको माइनस करना पड़ेगा। तो इधर में प्लस माइनस है तो प्लस माइनस से आपको 0.02 एंड 0.02 जो है इसको प्लस करना पड़ेगा, एंड इसको प्लस करने से आपका ऑप्शन सी का जो आंसर है 0.04 mm वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच की हैज रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज फिट इनटू की ओए कट बोथ द शाफ्ट एंड हाफ। तो
कौन सा की जो है जिसको फिटिंग करने के लिए हाफ एंड शेप दोनों में ही की वे जो है हम काटते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा शांक की। अगर सैडल की है तो सैडल की को फिट करने के लिए सिर्फ हाफ में हम की वे जो है वो काटते हैं, एंड की जो हॉलो शेडल की है उसके लिए जो शेप का जो नीचे वाला पोर्शन है, जो की का नीचे वाला पोर्शन है उसको हम क्या करते हैं, कार्प सरफेस छोड़ देते हैं, एंड फ्लैट सेडल की का नीचे वाला पोर्शन जो है वो फ्लैट ही रहते हैं, एंड की को जब हम फिट करते हैं तब उसमें अब हाफ में हम की वे बनाते हैं लेकिन शेप में कोई भी की वे नहीं बनाते हैं। तो शांक की जो है उसको फिट करने के लिए शेप एंड हाफ दोनों के अंदर में भी हम की वे बनाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा शांक की। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज, तो ये जो गेज आपको दिखाई दे रहा है इस गेज का नेम क्या है, तो इसका गेज का नेम होगा थ्रेड रिंग गेज, करेक्ट आंसर होगा थ्रेड रिंग गेज। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, व्हिच टाइप ऑफ बुश इज यूज्ड इन जीक टू परफॉर्म मोर देन वन ऑपरेशन इन द सेम लोकेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा स्लिप बुश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्लिप बुश। नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन आया था, व्हिच स्टैंडर्ड फिटिंग इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग पाइपलाइन ऑफ डिफरेंट डायमीटर, तो मान लीजिए एक बड़ा पाइप है उसके साथ एक छोटा पाइप को आपको जुड़ना पड़ेगा, तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा रिड्यूसर को, तो इसका आंसर हो जाएगा रिड्यूसर। रिड्यूसर के ऊपर एक क्वेश्चन आया था राउरकेला स्टील प्लांट में, व्हाट इज द डिफेक्ट कॉस्ट बाय इंटरलॉक्ड एयर बबल एंड पॉकेट्स इन द हाइड्रोलिक पाइप्स लाइंस एंड कंपोनेंट, तो अगर हाइड्रोलिक पाइपलाइन में अगर कोई एयर फंस जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैविटेशन, उसका आंसर हो जाएगा कैविटेशन। नेक्स्ट सिंबल के ओरिएंटेड एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द सिंबल मार्क्ड एक्स, तो ये जो एक्स मार्किंग है इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स मार्किंग वाला पोर्शन का आंसर हो जाएगा मंथली, एंड अगर आपको सर्कुलर होता तो आपका होता डेली, एंड आपका अगर रेक्ट जो ट्रायंगुलर है तो आपका आंसर होता वीकली, ठीक है, तो इसको रिलेटेड क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ 3087G6, तो 3087G6 एक फ्रेट का फीट का एक्सप्रेशन है, एंड ए जो फीट है एक क्लियरेंस फीट है। उसके बाद जो क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स, तो दो मेटिंग पार्ट्स का जो रिलेशन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउंस, फीट नहीं है। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स, सॉरी इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो, अलाउंस नहीं होगा, इंटेंशनल डिफरेंस मेटिंग टू इंटेंशनल डिफरेंस बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स है तो तब आपका अलाउंस होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फीट, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फीट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था, व्हिच फाइल इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग शार्प कॉर्नर, तो शार्प कॉर्नर को फिनिशिंग करने के लिए आपको बैरेट फाइल जो है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऑप्शन सी जिन्होंने किया है उसका आंसर है करेक्ट। नेक्स्ट, व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू चेक द वर्क पीस टू कॉन्फर्म द शेप, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है प्रोफाइल गेज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोफाइल गेज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था वो है, व्हिच एब्रेसिव इज यूज्ड फॉर लैपिंग डाई एंड गेजेस, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बोरोन कार्बाइड, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच बियरिंग मटेरियल इज बेस्ट सुइटेड फॉर हार्ड जर्नल, तो हार्ड जर्नल के लिए कौन सा बियरिंग जो है, कौन सा बियरिंग मटेरियल जो है वो सुइटेबल है, वो है एल्यूमिनियम एलॉय।
एल्यूमिनियम एलॉय जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टैंडर्ड फिटिंग इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग पाइपलाइंस ऑफ डिफरेंट डायमीटर। तो डिफरेंट डायमीटर पाइप को कनेक्ट करने के लिए आपको रिड्यूसर को अपनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मेटल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कैसेराइट। तो कैसेराइट से हमको मिलते हैं टीन को, तो ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर किया है उसका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेयर यूनिवर्सल कपलिंग इज यूज्ड। तो यूनिवर्सल कपलिंग जो है उसको हम बोलते हैं हुक्स कपलिंग, इसको आपको नोट डाउन करना है। यूनिवर्सल कपलिंग को हम हुक्स कपलिंग भी बोलते हैं। तो हुक्स कपलिंग जो है ऑटोमोबाइल व्हीकल में आप इस्तेमाल करते हैं, जो है एक फ्लेक्सिबल कपलिंग का एग्जाम्पल, इसको आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट, Which wire rope stands are twisted in the same direction? तो इसका जो आंसर होगा वो है Langley rope, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन के हिसाब से आप लिख सकते हैं, रेगुलर ले रोप जो है वो ट्विस्टेड होता है ऑपोजिट डिरेक्शन में, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही था टेक्निकल के ऊपर जो आपको क्वेश्चन आया था उसके ऊपर। अगर जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम में कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दूंगा। एंड इसके साथ आपका जो कट ऑफ एनालिसिस है वो भी मैं शेयर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स के अंदर शेयर करो, एंड चैनल्स में अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा करके प्रिपरेशन लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।